सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछली कक्षा में हम लोग पार्ट दो, जब हवा चलती है पढ़े थे, जब हवा चलती है पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम कि किसान एक अमीर व्यक्ति था, उसका बहुत सारा खेत था और खेत में वो उसको मजदूर की आवश्यकता थी, परंतु वो जो खेत उसका था वह कहाँ था, वहाँ आए दिन आंधी तूफान आता रहता था, तो वहाँ रहने के लिए कोई भी मजदूर उसको नहीं मिलता। एक दिन वह क्या किया, विज्ञापन दिया, इश्तेहार दिया, अपने खेत में मजदूर की आवश्यकता थी उसे, तो बहुत सारे मजदूर आए और उस जगह का नाम जब वह सुनता था तो वह मना करके चला जाता। उसके बाद एक छोटा मोटा छोटा सा कद का एक व्यक्ति, एक किसान आता और कहता है, मैं यहाँ काम करूँगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। वह अमीर व्यक्ति का हाँ ये कैसा व्यक्ति है, कहता जब हवा चलता हो तो मैं सोता हूँ, परंतु वो लाचार था, उसको समझ में नहीं आ रही थी कि हम करें क्या करें, परंतु आदमी की आवश्यकता थी तो सोचे चलो इसको रख लेते हैं, उसको रख लिया उन्होंने। एक दिन रात में क्या हुआ, बहुत जोरों की आंधी और तूफान आना प्रारंभ हुआ और व्यक्ति जो था, मालिक जो था खेत का, वह लालटे मिला और उठने उस किसान को देखने के लिए चला गया कि पता नहीं था फसल के पहाड़ी होगा, बारिश होगा, तूफान होगा, सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। वह दौड़ता दौड़ता उसकी झोपड़ी में जाता और देखता हुआ आराम चैन की नींद सो रहा होता है और उसको जगाता है, वो तूफान आने वाला है, आंधी आने वाला है, क्यों तुम सो रहे हो, आलसी कहेगा, सोता है खाली, तो बोला नहीं मैं तो आप पे काम के काम पे रहने से पहले ही मैं बोल चुका था कि मैं जब हवा चलता हूँ तो मैं सोता हूँ, और वह करवट बदल बदल के सो रहा था। उस टाइम किसान मालिक को, जब खेत का जो मालिक था उसको बहुत गुस्सा आया, परंतु उस गुस्सा को पी करके वह अपने फसल की ओर चला गया देखने के लिए, और देखता है क्या, वहाँ सारा गटर बना हुआ था, सारे चीज ढका हुआ था, सारी चीजें व्यवस्थित थी, कुछ भी क्षति, कितना भी आंधी और तूफान आता कुछ भी क्षति होने वाला नहीं। यह देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ, वो जो मालिक था खेत का वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसको वो चीज याद आ गया कि वो क्यों बोलता था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। उसका कहने का बात सही था कि मैं हर काम को अपने सिस्टम से, अपने ढंग से करके ही रखता हूँ कि मेरी मुसीबत में आए तो मैं घबराऊं नहीं, मेरा कोई चीज बर्बाद नहीं हुई। तो बच्चों आप भी ऐसा ही करेंगे, पढ़ाई के क्रम में शुरू से पढ़ाई करेंगे तो अपनी परीक्षा टाइम में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इस पाठ के शब्दों के अर्थ को जानते हैं। इसमें कठिन शब्द है रहित। उसके बाद में निपटना,
ढूंढना। उसके बाद है इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ होता है विज्ञापन। विज्ञापन